हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में. काफी अच्छा दिन है आज. वेदर थोड़ा ठीक है. कल थोड़ी ज्यादा ठंड थी, दो एकदम समर अभी नहीं आई है. फिर से थोड़ा सा ठंड ठंड होने लगी है. बाकी आज ठंडे हैं. आज का दिन थोड़ा सा ऐसे लाइट रखने का प्लान है. बातें चल रही हैं कि जैसे इंडोर पूल्स वगैरह होते हैं या हीटेड पूल्स वगैरह, वहां चलते हैं. बट अभी तो जैसे उठे ही है, चाय वाय पी है. सो लेट्स सी क्या रहता है आज. दरवाजा खोलो, मैं बाहर लॉक हो गई हूँ. धीरे बोलो. सचिन मुझे अंगूर ऑफर कर रहे हैं. अंगूर खाते हुए ये आपका ब्रेकफास्ट है क्या आज का? अंगूर खाते हुए ऑफर करना गाइस आपकी भी आदत है क्या? धीरे धीरे इधर से चटकाते रहो, उधर से ऑफर करते रहो. अगले के फोन चलते रहेंगे इतने में हम अंगूर चटका देंगे. बाकी सारे लोग घर पे हैं. मैं और कमल वॉक करने आ गए जंगल में. काफी ज्यादा गहरा और घना जंगल है. तो हमारे घर के आसपास ऐसे चारों तरफ जंगल ही है. तो मैंने बोला चल आज तेरे को एक नया कॉर्नर, लाइक अदर साइड ऑफ द जंगल एक्सप्लोर करवाती हूँ. तो हम लोग जा रहे हैं. डॉग्स का यहाँ पे बहुत कल्चर है. ये तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है डॉग्स को घुमाने के ट्रिप पे ही निकले हुए हैं इतने सारे. बाकी ये जंगल एकदम ज्यादा घना है और यहाँ पे पंछियों की भी बहुत ज्यादा आवाज आती रहती है. तेरे को पता है ये जो यहाँ पे ये टूम दिख रहा है ना तुझे कुछ, तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम का है. देखना है तुझे, उस पर ऐसे लिखा हुआ भी है. और बाकी इस साइड जाएगा तो जंगल में जाता जाएगा, और अगर इस साइड जाएगा थोड़ा सा नीचे तो कॉलोनी आ जाएगी. वहाँ पे वो सारे बड़े बड़े अमीरों के घर टाइप्स हैं. वो देखना है कि इधर जाना है. हाँ चल देख, इस पे डेट लिखी हुई है 1919 और वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था 1918 में. तो ये 1969 तक ऑपरेशन में था. अच्छा हाँ, ये वो है शायद कुछ तो वाटर के लिए है. यहाँ जंगल में पानी के लिए है ना कुछ तो लिखा हुआ है जर्मनी प्रोटेक्शन में डाल देते हैं ताकि पुरानी चीजें ऐसे खराब नहीं हैं. हाँ, अब है 1995 में कुछ प्रोटेक्शन के अंदर आ गया था. हाँ, रिस्टोरेशन. वो अभी एक दिन किजन गए थे वहाँ पे, तो वो लिटरली जो बॉम्ब शेल्टर बने हुए थे वो थे बहुत सारे उधर. तो ये हम लोग वॉक करते करते इस कॉलोनी में आ गए. यहाँ पे हम लोगों ने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस भी बनाए. आप लोग पूछते भी होते हो फ्लाइंग अब्रॉड पे ये कौन सी लोकेशन है. काफी सही लोकेशन है ये वाली लोकेलिटी. कुछ ज्यादा ही प्रीमियम है. घर इतने बड़े बड़े जर्मनी में, इतने बड़े बड़े गार्डन. कैसा लग रहा है भाई? मैं बता दूं इतने बड़े घर जर्मनी में बड़े होते हैं. दिल्ली मुंबई वालों के लिए भी बड़े होते होंगे. हाँ, सिक्कर वालों के लिए नहीं होते. हाँ, सिक्कर वालों को छोटे लग रहे हैं. कह रहे इनको तू क्या बड़े घर किए जा रही है. भाई जर्मनी के लिए बहुत बड़े घर है और बहुत प्रीमियम लोकेशन है. अब ये वाला घर है ना, इसका इन सब का व्यू मैं दिखाती हूँ आपको. एक सेकंड, मैं क्यों बोल रही हूँ प्रीमियम है. ये अगर आप ऐसे आओगे और यहाँ से देखोगे तो आपको पता चलेगा इनको पूरा फ्रैंकफर्ट का स्काईलाइन दिखता है. और ये सारे घर एक्चुअली जैसे स्लांटिंग हाइट पे हैं तो सबको यही सेम व्यू आता है. कोई घर किसी और का व्यू नहीं ब्लॉक कर रहा है. और ये सारे घर 5 मिलियन 10 मिलियन से कम के तो बिल्कुल नहीं होंगे, ज़्यादा ही ज़रूर हों. और गाइज ये इस कॉलोनी का बेस्ट पार्ट है. यहाँ से लिटरली इस रोड से पूरा का पूरा फ्रैंकफर्ट दिखता है. बहुत ज्यादा अमेजिंग व्यू आता है. ये पूरी जो आपको दिख रही है फ्रैंकफर्ट की स्काईलाइन है. ये मर्सिडीज की स्मार्ट कार दिख गई कमल को, कह रहा है ये तो नैनो से भी छोटी है. ये एक्चुअली बहुत ज्यादा छोटी सी होती है. इलेक्ट्रिक है ये. किसी की गाड़ी में घुस के देख लेते हैं क्या है अंदर. हम लोग चलते चलते जोश जोश में आ तो गए. अब कल के भी इतने चले हुए, अब ऐसे हो रहा है वापस नहीं जाया जाएगा. क्योंकि आते में तो हम नीचे नीचे आए, अब जाने में चढ़ाई भी है और अब दूर भी लग रहा है. तो हमने सचिन को कॉल कर दिया क्योंकि घर के पास ही है वैसे. आई थिंक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हम चले होंगे और सचिन को तो 5 मिनट लगेंगे गाड़ी से आने में. तो हमने सचिन को बोल दिया हम बैठे हैं, आ जाओ लेने. धूप सेक रहे हैं बढ़िया. गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी. तो शिल्पा का फोन आ गया, वो लोग गए थे वॉक करने के लिए. और शिल्पा और कमल वॉक करते करते इतना दूर निकल गए डाउनल हिल में. अब उनको वापस आने में आ रहा है जोर, तो मैं चलता हूँ और उनको लेके आता हूँ क्विकली. कभी कभार ही जर्मनी में विंटर वाली फील्स में सन निकलता है और आजकल वही विंटर वाली फील्स आ रही हैं. तो थोड़ी सी भी धूप अगर आपको मिलती है ना ऐसा लगता है भाई जन्नत में आ गए. तो अभी चला जाए, ऐसे ज़्यादा दूर नहीं गए, वो डाउनल हिल एरिया में पहुँच गए होंगे. और फिर लग रहा होगा आते टाइम में कौन इतनी मेहनत करेगा. ये स्काई में कितना डिफरेंस दिख रहा है. इस साइड आप देखोगे तो पूरा ऐसे ग्लूमी और क्लाउडी स्काई है. और ऐसे अगर मैं आती 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 जाऊं तो इधर एकदम से ब्लू और सुंदर स्काई हो गया. सिकर में भी होते हैं इधर काले बादल होते हैं. हाँ, तो बोलते हैं इधर बारिश हो रही होगी. हाँ, और फिर इधर से ये इधर आएगा. हाँ, फिर वो काले बादल आएंगे फिर बारिश होगी.
कैब भी घर पे ऐसे बोल के आए होंगे गाइस मुझे परेशान करा गया है, वॉक पे तो निकल गए नहीं मुझे बुला लिया। व्लॉग तो मैंने बनाया, मैंने बोला कि ये दोनों कबूतर कहीं फंस गए होंगे और शिल्पा ज्यादा फंसी होगी, ऐसे बोला मैंने। मेरे को चढ़ाई से डर लग रहा था। सुनो गाड़ी कमल को चलाने दो यहाँ पे। ओके डीएल है? डीएल नहीं, चलो ना इतना भी नहीं होता। पहले पहले डीएल लेके आएंगे। क्या शिल्पा क्या बना रही हो? कुछ नहीं, मैं तो कनेक्टिंग शॉट ले रही हूँ कि हम घर जा रहे हैं, वरना कमल बोलेगा तुमने बस वहाँ पे बोला कि अब हम घर जाएंगे और तुम घर पहुँच गए। कनेक्टिंग शॉट कहाँ है? ऐसे थोड़ी होता है। आई थिंक हमें कोचिंग लगेगी, सख्त जरूरत है हमें। तो अभी हम लोग सारे रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं वो स्विम बार्ड में जाने के लिए, तो चलते हैं। ऑलरेडी दोपहर हो गई है, लंच वंच हमने कर लिया और बाकी फिर शाम को भी कुछ प्लान है, वो भी आपको बताएंगे। सवारी एकदम रेडी है पूल में जाने के लिए और मोटू शायद सबसे ज्यादा एक्साइटेड है ना। सो यहाँ पे आए हम लोग विजन बार्ड और ये पेंटिंग कितनी बढ़िया बनी हुई है, ये वाली पेंटिंग भी काफी अच्छी बनी हुई है। अब जाएंगे पूल के अंदर। तो अब हम ये लॉकर में सामान रखेंगे, यहाँ पे जैसे ये चेंजिंग रूम्स वगैरह हैं इन्हीं के साथ में लॉकर वगैरह मिल जाते हैं आपको कि इनमें अपना सामान सेव करके और फिर आप जा सकते हो बेडिंग के लिए। तो ये है पूल एरिया, इसके अंदर शायद अलाउड नहीं है फोन लेके जाना, तो यहीं से दिखा देती हूँ मैं आपको कैसा है। सारे बाल सुखा रहे हैं, कितना अलग है ये ड्रायर। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई जोर ही नहीं है, नीचे भी होता है। इधर रवीना लगी हुई है, उधर फ्लाइंग अब्रॉड बाल सुखा रहा है अपने। सचिन बालों के साथ क्या हो गया? बाल अपना स्विमिंग पूल में रख रहे हैं। ऐसे बाल तो आपके कभी नहीं हुए। एयर पूल इसके तो अपने ठीक है, इसके बैक टू ओरिजिनल। हाँ लेकिन सबके बाल तो ऐसे ड्राई हो गए। पापा जी के ठीक, हमारे तो ठीक है। कैसा रहा पूल का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका तो बढ़िया रहता, तू बता। बहुत बढ़िया, इतना कूदा वो जो जंप करने वाला होता है। पापा जी तो अपनी कमर तोड़वा के सीधे। पापा जी की उम्र का कोई नहीं था वहाँ पे जो इतना बच्चों की लाइन में लग के। और रवीना तुझे थोड़ा बोर हुई? सर्दी थी बहुत। अच्छा था लेकिन काफी मजा आया। बाकी ये वाला ज्यादा महंगा भी नहीं था, सिर्फ 3 घंटे के 3 यूरो थे जो कि जर्मनी के हिसाब से काफी रीजनेबल है। यूजुअली वरना 2 घंटे के 9-10 यूरो होते हैं। तो कमल इज लाइक मैं यहाँ रोज आ सकता हूँ, सिकर में लेते हैं घंटे के 100 रुपए। तेरे तो 2 यूरो लगे, तेरा तो स्टूडेंट कार्ड भी चल गया। कमल का 2 यूरो लगेगा, इसने महीने का हिसाब लगा लिया है कि कितने लगेंगे। अकॉर्डिंग चलते हैं क्या? और शावर एरिया में कल्चर शॉक जो लगा उसका तो कुछ बात ही नहीं हुई। मस्त लगा रहे हैं अपने। शावर एरिया में सब शॉक हो गए, कहते ये क्या है, करना क्या है। मैं तो कल्चर शॉक की जगह उसको एंजॉयमेंट की तरह वेट कर रही थी, लेकिन मिला शॉक ही एंड में जाके। रवीना वेट कर रही थी कोई अच्छी लड़की आए। वेरी बैड रवीना, तुम कौन से शौक रखती हो? जाते मुझे एक लुक तो मिला था, इट वाज नॉट। कमल वीडियो देख के आया था तो मेंटली प्रिपेयर था, लेकिन लाइव जब एक्सपीरियंस किया तो एक झटका उसे भी लगा।